मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा मौजू उठबान कमर क्यों डरता है पार्ट टू, इसमें सवालात के जवाब लिखने हैं। तो बच्चों, आप सब लोग अपनी अपनी नोटबुक निकालें और उस पर लिखें पेज नंबर 84, इस पर आपके ये सवालात हैं। तो सवाल नंबर वन, सवाल मैं नहीं लिखूंगी, जवाब ही लिखूंगी, तो आप लिखो। सवाल नंबर एक हमारा है, शायर हमें क्या करने पर जोर दे रहा है। शाबाश। सवाल नंबर एक का जवाब, शायर हमें क्या करने पर जोर दे रहा है। शाबाश। मेहनत और हिम्मत, हिम्मत करने पर जोर दे रहा है। शाबाश। सवाल नंबर दो, इस नज़म में कौन कौन सी अच्छी आदतें बयान की गई हैं। शाबाश। सवाल नंबर टू का जवाब क्या है, कौन कौन सी आदतें हैं। शाबाश। हिम्मत और मेहनत, यही अच्छी आदत है ना। अगर हम हिम्मत करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छी आदतें बयान की गई है। शाबाश। सवाल नंबर तीन, जो वक्त को जाया करेगा उसका क्या अंजाम होगा। शाबाश। बोलो क्या अंजाम होगा जो वक्त को जाया करेगा। बच्चों, जो वक्त को जाया करेगा उसका अंजाम बुरा होगा। क्या होगा? बुरा होगा। क्योंकि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। तो बच्चों, आपको अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। शाबाश। सवाल नंबर चार, मुश्किल काम कैसे आसान होगा। शाबाश। मुश्किल काम कैसे आसान होगा। मेहनत, हिम्मत, शाबाश, और हौसले से हर मुश्किल काम आसान हो जाएगा। अगर हम हौसला करेंगे, मेहनत करेंगे, हिम्मत करेंगे, तो हर मुश्किल काम हमें क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब हमारा ये दूसरा सवाल है, पार्ट सेकंड इसका, इसमें ये नज़म के मिसरों को पूरा करना है। इसमें पहला मिसरा वहां पे लिखा है, और काटेगा डैश डैश गा, और काटेगा जो बोएगा, उसमें लिखना है जो बोएगा। शाबाश। दूसरा, तू गाफल डैश डैश लिखा है गा, तू गाफल कब तक, कब तक शाबाश, तू गाफल कब तक सोएगा, सोएगा। शाबाश। तीसरा, ये दुनिया आखिर फानी है, इसमें आखिर लिखना है, आखिर फानी है। शाबाश। चौथा, करडाल जो दिल में ठानी है, इसमें लिखना है दिल में ठानी है। तो ये थे इसके सवालात, ये मैंने यहां पर लिख दिए, आप अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और याद भी करेंगे बच्चों, तो मुझे लगता है आपको ये नज़म भी समझ आई होगी और इसके सवालात भी आज कंप्लीट हो गए। हमारा ये आज का सबक
मुकम्मल हो गया। तो बस आज के लिए इतने काफी है। वस्सलाम।